तो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ पे आ चुके हैं आज हम अपने को नए नए रैंक पुश गेम प्ले के साथ। तो यहाँ पे देखो, हम फिलहाल भाई उसमें से लूट करके निकल गए थे, तो यहाँ पे हमको कूपन मिल गया था रिकॉल का। तो अभी हम यहाँ से भाई जा रहे होते बंदे ढूंढने, तो यहाँ पे हमारे पास गाड़ी नहीं होती, लेकिन भाई इसमें जो इवेंट है ना उसमें मजा ही अलग है, क्योंकि भाई ये बॉल बन के जा सकते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे देखो, अभी हम जा रहे होते हैं मतलब कि बंदे ढूंढने, कि एक बंदे को भाई गाड़ी नहीं मिला होता तो चल के जा रहा होता है रिकॉल लेने, और अभी देखो उसको कैसे मारते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे भाई बंदे को रिकॉल भी नहीं मिलता और चला जाता है सीधा ही भाई लोबी, और बाद में हम फिर से यहाँ पे बॉल बन के भाई निकल जाते हैं, और बाद में हमको यहाँ से मिल जाती है बगी। तो अभी हम यहाँ पे बगी लेके आते हैं जॉर्जियो पुल पे, और देखो यहाँ पे ड्रॉप गिरा था तो वहाँ पे होते हैं बंदे। तो यहाँ पे भी एक और बंदा होता है, तो यहाँ पे हम ट्राई करते हैं भाई गोली लगा के, बॉल हिलता है या नहीं, और बॉल भाई चला जाता है दूर। तो यहाँ पे कोई बंदा ड्रॉप लूट रहा है तो भाई गोली मार दो, उसका कवर भी वहाँ से निकल जाएगा जो ऐसा बॉल होता है। तो यहाँ पे हम कर देते हैं बंदे के ऊपर क्लोज इन, और देखो भी कैसे मारते हैं। तो यहाँ पे भाई इस बंदे को तो पूरा कर दिया हमने पैनिक, और बाद में हम इजीली उसको यहाँ पे मारते थे। तो यहाँ पे अभी हम उनमें से करते थोड़ा बहुत लूट, और यहाँ पे इनमें से लूट करके अभी हम निकल जाते, क्योंकि हमारे पास रिकॉल भी था तो यहाँ पे मरने का डर भी नहीं था, और भाई वैसे भी नया नया स्टार्ट किया तो बंदे भी इतने खास नहीं आ रहे अभी। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आते कि भाई एक बोट होता है और सामने दो बंदे रियल होते हैं, तो अभी कैसे मारते हैं। तो यहाँ से अभी हम उसको गोली मारने का ट्राई तो करते हैं, लेकिन भाई लगता नहीं है क्योंकि काफी बंदे दूर थे भाई, 300 मीटर से भी ज्यादा। तो यहाँ पे हमने सोचा अभी बग्गी लेके कर देते उसके ऊपर क्लोज इन, और अभी देखो किए ही भाई, मेरे को लगा बंदा गया ऊपर, और बंदा किए ही वहां पे ही होता है बाहर। तो यहाँ पे भाई मैं सीधा ही जंप करके मारता हूँ, यहाँ पे भाई पेट ही बनते बनते हमारी बच जाती है, नहीं तो भाई यहाँ पे देखो 10 HP बचे थे अभी बंदे की एक गोली, और अपना काम हो जाता खत्म। तो यहाँ पे अभी हीलिंग कम हुई थी तो भाई फर्स्ट एड और बूस्टर लगा कि यहाँ से फिर से निकल जाते बंदे ढूंढने के लिए। तो अभी हम यहाँ से गाड़ी लेके निकल रहे थे कि क्या होता है, हम जाते कोचिंग वाले रिकॉल के पास, मतलब कि अभी तो नहीं होगा, स्क्वाड में होता है वो। तो यहाँ पे जैसे पहुँचते हैं तो यहाँ पे होता है एक बंदा, उसका आता है हमको फुल स्टेप, और देखो भाई क्या ही करता है कैंप वो बंदा। तो यहाँ पे भाई ये बंदा तो पूरे कैंप के मूड में ही था भाई, वहीं पे भाई टीपीपी लेके बैठा था सीढ़ी से जैसे ही आए, लेकिन फुटस्टेप के आवाज़ से हमको मालूम था बंदा वहीं पे बैठा है, तो यहाँ पे हम उसको मार देते इजी, और भाई बंदे को गोली छोड़ने का तो मौका ही नहीं देते। तो यहाँ पे अभी हमने सोचा भाई जितने बंदे मरते उसको पहले मार ही देते। तो यहाँ पे भाई थोड़ा सा जैसे आगे आते हैं तो इस घर में फाइट हो रहा था, तो हम पहुँचते हैं तो पहले देखते हैं किस में होता है बंदा। तो बंदा इसी घर में होता है, तो हम भाई जल्दी से जाके इसके ऊपर कर देते हैं पुश, क्योंकि अभी रिकॉल होने वाला था ख़त्म।
तो यहाँ पे भाई बंदे के पास होता है ग्रोजा, लेकिन भाई बंदा हमको गोली नहीं लगा पाता, इसलिए हम यहाँ पे भाई इजी बच जाते हैं। नहीं तो ग्रोजा मतलब आपको मालूम है भाई, दो तीन गोली और हम खत्म। तो यहाँ पे मतलब कि सामने वाला है तो वो भी खत्म ही होगा, अपने पास ग्रोजा है या एम के है अच्छी गन। तो यहाँ पे हम इनमें से उठा लेते हैं ग्रोजा और बाद में जाके करते हैं हम ब्रिज कैंप। और भाई काफ़ी देर से हम ब्रिज कैंप भी कर रहे थे लेकिन कोई बंदा नहीं आता, तो लास्ट में अभी एक बंदा आता है, तो अभी देखो उसको कैसे यहाँ पे ब्रिज कैंप पे मारते हैं। तो यहाँ पे भाई इस बंदे को तो हम इजी यहाँ पे मार देते हैं, बंदा भाई सीधा ही गाड़ी लेके आ रहा था, तो यहाँ पे भाई इजीली इसको गाड़ी से उतार देते हैं और बाद में हम यहाँ से गाड़ी लेके निकल जाते हैं। तो अभी हम जैसे भाई ब्रिज क्रॉस करके इस साइड आते हैं तो अभी देखो क्या होता है, हम चढ़ते हिल के ऊपर कि तभी हमको राइट वाले हिल पर भी बंदा दिखता है। तो यहाँ पे अभी हम एक बंदे को मार के जैसे निकल रहे थे कि तभी हमको दूसरा बंदा दिखता है, तो उसको भी हम यहाँ पे मार देते। तो अभी बंदा बचा था एक, तो बंदे को ढूंढने में भाई इतना टाइम लग गया कि क्या बताएं, हमको लगा मिलेगा ही नहीं, लेकिन भाई आखिरकार लास्ट में वो मिल ही जाता है एक जोन जैसे टच होता है कि। तो यहाँ से अभी हम ब्रिज के नीचे से जाते हैं, तो बंदा देखो भाई किए ही सामने से निकलता है भाई। तो यहाँ पे भाई इस मैच में भी भाई इजी चिकन हमको मिल जाता है। तो भी आप बताओ भाई अगले सीजन में भाई पबजी की हाल में करें क्या #1, तो इसमें भाई अभी हम कर लेंगे एस, मतलब कि अगले सीजन में प्लेटिनियम से स्टार्ट हो इसलिए, नहीं तो भाई इसमें फिर से होगा भाई सिल्वर या गोल्ड से स्टार्ट। तो कोई बात नहीं, अभी मिलते हैं अपने एक नए गेम प्ले के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।